नमस्ते। अगर आप प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग के तलाश में हैं, तो आप सही जगह पहुंचे हैं। स्क्रीन राइटिंग क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, कहां से शुरुआत करते हैं, फिर क्या होता है, कैसे कहानी को एक स्क्रिप्ट की शक्ल दी जाती है, कहानी और स्क्रिप्ट के बीच स्टेजेस क्या क्या हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक स्क्रिप्ट को किस तरह लिखी जाती है, अगर आप इन सवालों से जूझ रहे हैं तो इस ट्रेनिंग सीरीज में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन राइटिंग एक स्टेप बाय स्टेप टाइम कंज्यूमिंग ह्यूज इंटेलिजेंट एफर्ट प्रक्रिया है जो बगैर ट्रेनिंग से सीखा नहीं जा सकता। 10 में से 8 स्ट्रगलर अच्छी तरीके से लिख तो सकते हैं, जैसे कहानी हो गया या फिर कविता हो गया, फिर भी मौके पाने से वंचित रहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि स्क्रीन राइटिंग एक बिल्कुल अलग क्राफ्ट है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक पेंटर है जो स्केच इंसानों के चित्र हूबहू ड्रॉ कर सकता है, क्या वो एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो नक्शा बिल्डिंग निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग ढह सकती है। बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट निर्माण के लिए आर्किटेक्चर की अच्छी ज्ञान और ट्रेनिंग होना बहुत ही आवश्यक है। और हमारे इन स्ट्रगलर राइटर के साथ मामला भी कुछ इस प्रकार का ही है। क्योंकि मैंने 10 साल से कहानी और कविताएं लिख रहा हूं और मुझे सीन की अच्छी समझ है, और इस वजह से मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट बिक जाएगी, ये संपूर्ण गलत बात है। और दुर्भाग्य का विषय है, ऐसे स्ट्रगलर इस सच्चाई से बहुत ही दूर है। दोस्तों, आज मौके भरे पड़े हैं, हजार जगह के द्वार ओपन है नए राइटर्स के लिए, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, स्क्रिप्ट सुनने के लिए। सिर्फ जिस चीज की कमी है वो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग की। अगर आप एक सफल फिल्म राइटर के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और एक प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर प्रॉपर स्क्रीन राइटिंग कोर्स जरूर फॉलो करें। उन सस्ते मुफ्त कोर्स के चक्कर में ना रहें जो स्क्रीन राइटिंग के बारे में 2-4 बातें तो करती हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल पर हैं, जो कभी भी आपको इस हाई कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करेगा। स्क्रीन राइटिंग अपने आप में एक बहुत ही विशाल टॉपिक है, और प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए इन टॉपिक्स पर पहले ग्रिप हासिल करनी होगी। बहुत सारे एस्पायरिंग स्क्रीन राइटर इस क्राफ्ट को सीखना तो चाहते हैं लेकिन महंगे फिल्म स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो दूसरी ओर बहुत सारे एस्पायरिंग राइटर्स के सामने ये चुनौती रहती है कि उनको हिंदी भाषा में सीखना है। तो ऐसे राइटर्स को बेनिफिट देने के लिए www.filmshiksha.in ये स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग सीरीज का नया संस्करण लाए हैं। मैं कुमार श्री, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट, वीडियो एडिटर और ट्रेनर हूँ। मैं अपनी डेब्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मैं www.filmshiksha.in के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप इस असमंजस में हैं कि ये ट्रेनिंग फॉलो करें या ना करें, तो इसका जवाब बहुत ही सरल है दोस्तों। आप शुरुआत के 4-5 ट्यूटोरियल्स फॉलो करें। अगर आपको समझ आती है और स्क्रीन राइटिंग क्राफ्ट को समझने में मदद करता है तो इस पूरी ट्रेनिंग सीरीज को फॉलो करें। दोस्तों, ये ट्रेनिंग सीरीज जिस क्रम में है उसी क्रम में फॉलो करें। मतलब फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई असाइनमेंट दिए गए हैं तो उनको खत्म कीजिए, फिर अगला चैप्टर फॉलो करें। रैंडमली आपको जो पसंद आ रहा है वो ट्यूटोरियल्स फॉलो ना करें, जिस क्रम में है उसी क्रम में सारे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। कोशिश करें एक ही दिन में सारे वीडियो ट्यूटोरियल ना देखें। हर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी चैप्टर को इग्नोर ना करें। अगर कोई सवाल मन में आते हैं तो आप वेब पेज के बॉटम सेक्शन पर कॉन्टैक्ट अस लिंक है, वहां पर जाके आपके सवाल पूछ सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम आपके सवालों की जवाब दिलाने में मदद करेगी। इस ट्रेनिंग सीरीज में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स और उनके मतलब, इंडस्ट्री में कैसे लिखा जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे स्क्रिप्टिंग की जाती है वगैरह का विस्तार रूप से आलोचना की गई है। तो दोस्तों, चलिए स्क्रीन राइटिंग को गहराई से समझना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।